अरे क्या कहे, यहाँ की जनता भगवान है। कारण जो मान सम्मान मुझे मिला, हम इसी चीज़ के भूखे हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि हमको कुर्सी नहीं, हमको यही मान सम्मान, यही प्रतिष्ठा मिलता रहेगा ना, तो हम अपना पूरा धन नौछावर कर देंगे। बबलू चौहान का वार्ड है, कितना कुछ विकास हुआ है। कौन बबलू चौहान? चौहान जो नगर सभापति। अच्छा, नगर सभापति का। अरे भाई क्या बताएं आप लोग, आए थे तो गंदगी था, अगली बार एक प्रोग्राम में तो हम अपना टीम भेज के सफाई कराए थे। यहाँ की जनता जानती है, हमेशा यहाँ हम अपनी सफाई टीम भेज के सफाई कराते रहे हैं। किसका वार्ड है मायने नहीं रखता है, वो लोग को भी सोचना चाहिए कि अच्छा, देखिए नगर पालिका हो या किसी भी पोस्ट पे कोई भी हो, चुनाव इसलिए लोग वोट देते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा क्षेत्र को सफा सौंदर्यकरण में आकर लोग इतना सुंदर एक मंदिर पद बन गया। हम पूजा कर लेते हैं, हम लगता है कि सर चाहते जाते ध्यान नहीं था मेरा, लेकिन पूजा करने बाद जब घूम के देखो तो लगा कितना सुंदर हो, पब्लिक जगह है, अगर वहाँ बोटिंग की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था हो जाए। लोग कहते हैं सिवान में जगह ही नहीं है पार्क बनाने का, तो हम वादा किए हैं यहाँ की जनता से कि अगर नगर पालिका में हम आते हैं तो वहाँ बहुत सुंदर पार्क और बोटिंग की व्यवस्था होगी। चौहान का उसी वार्ड से वार्ड पार्षद है, तो क्या लगता है उन्होंने विकास नहीं किया और वो प्रत्याशी भी है? जमानत जब्त हो जाएगा इस बार सब लोग का, उसका चित्र दिख रहा है। और जनता से आग्रह करेंगे मीडिया के माध्यम से कि मेरे पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए हैं, अगर सडनली कोई केस में हमको फंसा के जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन कल भी मुझे मिली थी, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग एकदम एक मत होके हमारे हाथ को मजबूत कीजिएगा, तभी हम आप लोग के लिए लड़ पाएंगे। नहीं, मामला ये था कि बस कुछ नहीं, बस जीवन यादव को डिस्टर्ब करना था, बस और कुछ नहीं। जीवन यादव की लोकप्रियता से डर लग गया है विरोधियों को? विरोधियों को डर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी विरोधी की चाल थी। अब किसका था ये नहीं जानते, लेकिन भाई अचानक कोई मुझे आके कहे कि भाई आप ये है, ये हम अड़े हैं, कलर पकड़ के अरेस्ट कर ले पुलिस, तो भाई कहीं ना कहीं हमको प्रशासन से डर इसलिए है कि विरोधी पैसा देकर हमें अरेस्ट कर सकते। हम अगर चाहते तो हम भी विरोधियों के पीछे हाथ धो के पड़ सकते थे, लेकिन हम कार्यकाल अपना कर रहे हैं, कार्य करेंगे तो जनता मुझे पसंद कर रही है। आप लोग भी कार्य कीजिए, जनता आपको भी पसंद करेगी। लेकिन जो पैसा आप प्रशासन में खर्च करके मुझे अरेस्ट कराने का काम करवा रहे हैं, चाहे डिस्टर्ब कराने का काम करवा रहे हैं, वो पैसा आप समाज में खर्च कीजिए ना, मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार।